नमस्कार, आदित्य टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ एनसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों के साथ में। जो आपको बता दें, विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दरअसल सदन में आज हंगामे के आसार हैं। गैरसैंण में मॉनसून का विधानसभा का ये सत्र जारी है। जहां आपको बता दें कि सत्र का आज दूसरा दिन और आज सदन में हंगामे के आसार भी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ इस बार सदन में सरकार को घेरने के लिए फुल प्रूफ तैयारी के साथ पहुंचा है। और आज चूंकि दूसरा दिन है इस कार्यवाही का, इस सदन का, गैरसैंण में मॉनसून के विधानसभा सत्र की कार्यवाही जारी है। दूसरे दिन सदन में कहा जा रहा है कि हंगामा हो सकता है, हंगामे के आसार आज जो दूसरे दिन इस कार्यवाही में देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है, क्या लगता है, क्या उम्मीद की आज क्या शांतिपूर्वक ये कार्यवाही चलेगी? देखिए नैन्सी, जिस तरह से विपक्ष के तमाम विधायक पहले से ही पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किए हुए हैं और साफ तौर पर इस बात को बयां भी कर रहे हैं कि जो जन मुद्दे हैं, जो जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे हैं, खास तौर से उनको लेकर वो सदन में चर्चा करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो सदन की समय सीमा है इसको बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। और ये आज ये देखना होगा आपसे कुछ समय बाद, जबकि 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तो जो विपक्ष के तमाम विधायकों ने तैयारी की है, फुल प्रूफ अपनी तैयारी जो विपक्ष के विधायक करके सदन में पहुंच रहे हैं, अब वो किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस करते हैं। और ये भी देखना होगा कि क्या किसी मुद्दे को नियम 310 की सूचना के तहत विधानसभा से उन्होंने अनुरोध किया है। इसके अलावा जिस तरह से उत्तराखंड के विपक्ष के तमाम नेता जो हैं, नेता प्रतिपक्ष से भी हमने बात की, उनका साफ तौर पर यह मानना है कि उत्तराखंड के पलायन से संबंधित, उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार से संबंधित, उत्तराखंड में बढ़ रही लगातार महंगाई और इसके अलावा जो ध्वस्त होती कानून व्यवस्था है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष जो है वो सदन में हंगामा कर सकता है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, विपक्ष पे मुद्दों की एक लंबी फेहरिस्त है और ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं, जब अभी तक जितनी भी बैठकें हुई हैं सत्र से संबंधित, उसमें विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के जो नेता जिस बैठक में शामिल हुए हैं उनसे ये अपील की, अनुरोध किया है कि सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से चलने दिया जाए। उस वक्त ये वादा कर दिया गया है कि सदन की शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई में विपक्ष के विधायक जो है वो सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस बार अब आपसे कुछ समय बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है वो सदन में, सदन के बाहर, वेल में और विधानसभा भवन के बाहर आखिर अपने विरोध को जताने वाला है। और उम्मीद यही की जा रही है कि आज का जो ये सत्र का जो दूसरा दिन है, जब इसकी शुरुआत होगी तो उस वक्त ही प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के तमाम विधायक जो हैं वो अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, जनमुद्दों को उठाते हुए विरोध जो है वो प्रकट करेंगे। लेकिन ये देखना होगा कि क्या विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो प्रश्नकाल चलने देंगे या प्रश्न के दौरान ही जो सत्ता पक्ष के कैबिनेट मंत्री हैं उनकी घेराबंदी करने वाले हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि आज चूंकि विपक्ष अभी पूरी तैयारी के साथ में सदन में पहुंचेगा, तो क्या लगता है सोनू, किन मुद्दों को लेकर आज विपक्ष हमलावर हो सकता है, किन मुद्दों की गूंज आज सुनाई दे सकती है? आपको बता दें कि सदन में आज हंगामे के आसार हैं, जहां आज इस कार्यवाही का, इस सत्र का दूसरा दिन है। गैरसैंण में मॉनसून के विधानसभा सत्र जो है वो जारी है और आज दूसरा दिन है। कहा जा रहा है कि आज सदन में विपक्ष हंगामा